तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन सच सामने आएगा कैसे? मेरे पास एक इम्पोर्टेड स्टेथोस्कोप और स्पेशल चश्मा है जिसे हम पेट को स्कैन कर सकते हैं और पता चल सकता है कि इंसान ने क्या खाया है, मतलब पेट में किस तरह का खाना है वो पता चल सकता है, जैसे मटर पनीर, पास्ता, पिज्जा, सब पता चल सकता है। डॉक्टर, ऐसा सचमुच कोई है, ऐसा आविष्कार हुआ है, कोई पढ़ा नहीं इस बारे में, ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल है, पर अभी तक ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हुआ नहीं है, सिलेक्टेड डॉक्टरों को ट्रायल के लिए दिया गया है। पापा, आपके पास ऐसा स्टेथोस्कोप और चश्मा है, आपने मुझे बताया नहीं कभी। हाँ, इसलिए नहीं बताया कि ये टॉप सीक्रेट है, सबके सामने नहीं बता सकता। लेकिन अभी तो आपने सबके सामने बता दिया ना। हाँ वो क्या है ना बेटा, सिचुएशन ऐसी आ गई है, मेहता अंकल और अंजलि आंटी के बीच में डिवोर्स होने जा रहा है। क्या कह रहे हो डॉक्टर, कौन सा डिवोर्स होने जा रहा है? मेहता साहब, ऐसी छोटी छोटी अनबन अल्टीमेटली डिवोर्स तक पहुंच ही जाती है। अरे चुप बोलिए आप, चुप बोलिए प्लीज, वो लेके आइए चश्मा और स्टेथोस्कोप प्लीज। हाँ अभी लेकर आता हूँ। पापा ने हमें स्टेथोस्कोप से चेक किया ना, हम तो गया। मुझे भी लग रहा है इस बार हम पक्का पकड़े जाएंगे। फ्रेंड्स डरो मत, हाथी अंकल मेहता अंकल को चेक करेंगे, हम पे शक ही नहीं होगा। ये रहा स्पेशल चश्मा और स्टेथोस्कोप। आइए आइए हाथी भाई, जल्दी से चेक कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर देता हूँ अभी। आइए कर लीजिए चेक। हाँ खा लेते, पेट में पिज्जा ढक जाएगा। नहीं। पता चल गया ना कि इनके पेट में पिज्जा है। हाँ बोल। सॉरी अंजलि भाभी, पर मेहता साहब के पेट में पिज्जा नहीं है। यस 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 यस। इधर क्या होते? क्या होते का? अरे क्या होता है? क्या खुशी होते? मैं बोल रहा था ना मेहता साहब झूठ नहीं बोल रहे। अरे वो कह रहे कि उन्होंने पिज्जा नहीं खाया तो नहीं खाया, साबित हो गया ना। आपके घर देर है, अंधेर नहीं है, हो गया यकीन, अब तो हो गया ना यकीन अंजलि। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेट में पिज्जा ना हो। अरे हाथी भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका ये चश्मा और स्टेथोस्कोप खराब हो। हाँ नहीं नहीं अंजलि भाभी, ये बिल्कुल खराब नहीं है, मैं इसे रोज अपने पेट पे रख के चेक करता हूँ और ये करेक्ट डिश बताता है। पर हंस, तुम रोज अपना पेट क्यों चेक करते हो? चेक करने के लिए कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। आप कहे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मेहता साहब के पेट में पिज्जा नहीं है और उन्होंने पिज्जा नहीं खाया है। नहीं खाया, और इस बात पर आपको मेरे पे विश्वास करना ही होगा। अब हाथी भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि मेहता साहब ने पिज्जा नहीं खाया है। फिर? हाँ, मुझे भी मतलब शुरू से लग रहा था कि मेहता साहब ने पिज्जा नहीं खाया है। नहीं मैंने पन। अंजलि अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना? अंजलि मेरा विश्वास करो, अगर मैंने पिज्जा खाया होता तो मैं तुम्हें खुद फोन करके बोल देता कि मैंने पिज्जा खाया है। हाँ झूठ नहीं बोलते हैं वो। आप सच बोल रहे हैं ना? अंजलि अब भी कोई गुंजाइश बाकी है क्या? अंजलि मैं हमेशा सच बोलता हूँ अंजलि। अरे अंजलि भाभी, अभी क्या हुआ अंजलि भाभी? I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके हाथ में पिज्जा का डब्बा देखा और पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगी, मैंने सबके सामने आपको क्या क्या सॉरी। प्लीज प्लीज रो मत अंजलि, रो मत। और सबके सामने क्या, ये तो सब अपना परिवार ही तो है, और गलती मेरी भी है अंजलि।
अगर मुझे पिज्जा का बॉक्स दिखा घर में तो मुझे तुम्हें फोन कर देना चाहिए था। मैं तुम्हें फोन कर देता तो इतना कंफ्यूजन ही पैदा नहीं होता ना। सॉरी सॉरी। नो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। चलो भाई दोनों में सुलह हो गई। अभी फिर से कभी ऐसे लड़ना मत। चलो चलो सब लोग अपने अपने घर चलते। चलो मेहता साहब और अंजलि भाभी में तो सुलह हो गई, पर अभी तक ये नहीं पता चला है कि मेहता साहब के घर में वो पिज्जा का डिब्बा आया कहाँ से। पापा छोड़िए ना, डिब्बा कहाँ से आया होगा, आया होगा कहीं से। अभी मेहता अंकल और अंजलि आंटी के बीच सुलह हो गई ना, तब सब घर जाते हैं। ओके हाँ चलो चलो। हाँ वैसे भी हमें हमारा प्रोजेक्ट का काम करना है। चलो फ्रेंड्स चलते। चलो चलो चलो। नहीं नहीं एक मिनट रुको, पता तो लगाना ही पड़ेगा कि वो पिज्जा का डिब्बा आया कहाँ से। पता लगाना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से कितना बड़ा पखेड़ा हो गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे सोसाइटी की चिंता है, क्योंकि अगर मेहता साहब के घर में मेहता साहब नहीं थे, अंजलि भाभी नहीं थी, घर लॉक था, तो फिर डिब्बा आया कहाँ से घर में। बराबर। नहीं नहीं नहीं, ये सोचने वाली बात है भिड़े, कोई तो मेहता साहब और अंजलि भाभी के घर में गया है। टप्पू सेना, तुमने किसी को मेहता साहब के घर में आते जाते देखा था? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमने किसी को नहीं देखा। हाँ अतिड़ा, बच्चों को कैसे पता होगा, वो तो सुबह से तेरे घर पे प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे। अरे नहीं नहीं चाचा जी, टप्पू से ना मेरे घर पे नहीं थी, वो तो आपके घर में प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। Over. अरे नहीं नहीं कोमल बेटा, बच्चे तुम्हारे घर पे प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं। गेम ओवर। नहीं नहीं चाचा जी, गोली तो घर पर नहीं था, इनफैक्ट पूरे टप्पू से ना आपके घर में बैठ के प्रोजेक्ट का काम करने वाली थी। इनफैक्ट मैं खुद गोली को आपके घर की सीढ़ी तक छोड़कर गया था। गोगी और पिंकू भी मुझे ये कह के गए थे कि वो टप्पू के घर में जा रहे हैं। हाँ सोनू भी यही कहकर गई थी कि टप्पू के घर जाना है। टप्पू तो मुझे ये कहकर गया कि मैं प्रोजेक्ट का काम करने गोली के घर जा रहा हूँ। अरे आग का है गोंदड़ है, टप्पू से ना चाचा जी के घर पे नहीं थी, कोमल भी आपके घर पे नहीं थी, तो तुम लोग थे कहाँ भाई। हाँ टप्पू बेटा बोल, तू तो ये भी कह रहा था ना कि तूने गोली के घर पे खाना खा लिया है। गोगी ओ टपू से ना कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही लोग गए थे मेहता साहब के घर में। नहीं आप तो बाकी सब चाबियां कहाँ रखते हैं? वही जो हमारे पड़ोसियों ने अपने अपने घर की एक्स्ट्रा चाबियां इमरजेंसी के लिए देके रखी है ना वो। टप्पू तूने आज मुझे फोन करके पूछा था ना सब वो चाबियां कहाँ रखते हैं आप पापा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता अंकल की चाबी जो हमारे घर पे पड़ी रहती है वो चाबी से तूने उनका घर खोला और तुम लोगों ने उनके घर में पिज्जा पार्टी की। तुम लोगों ने किया? नहीं 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 पापा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं जेठा अंकल, हमने कोई पिज्जा पार्टी नहीं की है। एक मिनट सब शांत हो जाइए, अभी पता चल जाएगा कि इन्होंने पिज्जा खाया है कि नहीं। इससे बिल्कुल गुड गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल, चेक करो चेक करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी नहीं भिड़े, अभी पिज्जा का पिज्जा और पास्ता का पास्ता हो जाएगा। पास्ता नहीं रे, पास्ता ती अफगानी ना इटालियन डिश। ए जे असेल ते आपल्याला काय, आपल्याला ते खायशी मतलब खायशी खाण्याशी मतलब खाण्याशी। तू समजला ना भाऊ? अरे आप चेक करो ना, ये तो चलता रहेगा। अरे बाप रे, अब तक सब पता चल जाएगा।
नहीं 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 पापा, आपको पता है ना मुझे तो गुदगुदी होती है। अरे बेटा ये स्पेशल स्टेटोस्कोप है, इसे गुदगुदी नहीं होती। नहीं नहीं पापा होती है, होती होती होती। अंकल अंकल मैं तो गोगी हूँ, मुझे तो स्टेटोस्कोप नाम से डर लगता है। अरे बेटा वो स्टेटोस्कोप है, वो इंजेक्शन थोड़ी है। इंजेक्शन बराबर बोला जेठाला, लहान पासून घेतलाय ना ते चिपकला एकदम। हाथी अंकल चेक ही क्यों कर रहे हैं, हमने बोला ना हमने पिज्जा नहीं खाया है। ओ टप्पू से ना ऐसा नहीं चलेगा, चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा अंकल हमने पिज्जा खाया नहीं तो हमने चेकिंग क्यों करवाए? बेटा वही तो पता करना है। बेटा मास्टर जेठा भाई मेहता साहब, सबसे पहले गोली को पकड़ो, इसी से शुरुआत करते हैं। हमने ही पिज्जा पार्टी की थी, हमने ही पिज्जा खाया। बकेटा साबित हो गया ना। अकबर वो टप्पू से नहीं है जिसने मेहता अंकल के घर में घुसकर चुपके से पिज्जा खाया है। I'm extremely sorry मेहता अंकल, so sorry. सॉरी 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 मम्मा, सॉरी सॉरी मेहता अंकल, सॉरी इंजीनियर आंटी, आप सभी को सॉरी। हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं कि हमने गलती की है, इसलिए आपको हमें जो सजा देनी है वो दे दीजिए। वैसे बच्चों सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि ऐसे चश्मे और स्टेटोस्कोप तो होते ही नहीं है। ये झूठ तो मैंने तुम लोगों के मुंह से सच उगलवाने के लिए बोला था। वेरी गुड, और मुझे पता चल गया था कि पिज्जा तुम लोगों ने ही खाया है। अरे लेकिन डॉक्टर आती ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि बच्चों ने पिज्जा खाया? बच्चों के हाथ में जो फ्रेंडशिप बैंड है ना, वही देख के मुझे शक हो गया था। लेकिन पापा आपको कैसे पता चला कि ये फ्रेंडशिप बैंड पिज्जा के साथ फ्री है? आज सुबह पेपर पढ़ते वक्त। अरे वाह, गेट सेट गो पिज्जा पर ऑफर, ऑन एवरी पिज्जा गेट फ्रेंडशिप बैंड फ्री। जब मैं बाहर से आया तब मैंने भिड़े मास्टर के हाथ में ये पिज्जा का बॉक्स देखा और बच्चों के हाथ में ये फ्रेंडशिप बैंड, तो मुझे शक हुआ और वो फ्रेंडशिप बैंड को नजदीक से देखने के लिए मैंने गोली को बैग देने के बहाने नजदीक बुलाया और तभी से मुझे टप्पू सेना पे शक हो गया था। और तुम लोगों का ये सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। स्मार्ट। ओ मतलब इन शॉर्ट बैंड ने तुम लोग की बैंड बजाई। सर अब समझ में आया, पिज्जा पार्टी हो सके इसलिए तुम लोगों ने प्रोजेक्ट का बहाना बोला और एक दूसरे के घर जा रहे हो ऐसा झूठ बोला। बोलो क्या करते दादाजी, कितने महीनों से बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, सबको पिज्जा खाने का बहुत मन था। पर गोली ऐसी बात थी तो हमें बता नहीं सकते थे। सही बात है कोमल आंटी, हम बाबा की परमिशन लेकर ही पिज्जा पार्टी करने वाले थे लेकिन फिर उन्होंने अचानक से वो सर्कुलर निकाल दिया। आज से 15 दिन के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में सब बंद। और
पूरी टप्पू सेना का सोसाइटी से बाहर जाना बंद हो गया। बाहर से खाना आने पर भी रोक लग गई थी और आज आपने क्लब हाउस में भी पेस्ट कंट्रोल करा दिया। पिज्जा खाने की जगह नहीं थी और मेहता अंकल के घर की एक्स्ट्रा चाबी मेरे घर पे थी, तो हम चुपके से मेहता अंकल के घर पे चले गए पिज्जा खाने। मतलब मेरा शक सही निकला। एक मिनट, मैंने तो स्ट्रिक्टली बोला था कि 15 दिन तक कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी, तो पिज्जा का बॉक्स अंदर आया कैसे? सॉरी भिड़ंकल, पिज्जा अंदर आने में जिन्होंने हमारी मदद की है उनका नाम हम नहीं ले सकते। आप लोग नाम नहीं ले सकते लेकिन मैं तो ले सकता हूँ ना। शाबाश अब्दुल, शाबाश। बताओ कौन है? टप्पू सेना की मदद मैंने की थी। अब्दुल भाई, आता बोल शाबाश अब्दुल। अरे अब्दुल, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो भाई? कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी भी है। सही बात है, आपकी बात सही है, पहले मैंने भी मना किया था, फिर टप्पू सेना ने कहा कि जहां से पिज्जा मंगा रहे वो सारे सेफ्टी रूल फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमें हमारी गलती का एहसास है और इसलिए आप लोग हमें जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर है। हाँ हाँ, आज तो सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। चाचा जी, इनको सजा मैं दूंगा। अरे वही कह रहा हूँ बेटा, सजा तुम लोगों को तुम्हारे मेहता अंकल देंगे। टप्पू सेना, आज जो तुमने किया है ना, ये छोटा अपराध नहीं है। कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था, अंजलि घर छोड़ के जा रही थी, इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखो। अरे बराबर सजा देना, याद रहे। और तुम्हारी सजा ये है टप्पू सेना, अगले 3 दिन तक तुम लोग अंजलि के हाथ का डाइट फूड खाओगे। नहीं बराबर है, बराबर है, वेरी गुड मेहता साहब। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, आपका तीन सजा है, ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी सॉरी, वापस सॉरी बोलना, सॉरी सॉरी सॉरी। बहुत अच्छी सजा दी है आपने, सजा है करेला पानी। अरे चांगला होता प्रत्येक वेला करतो बस आता नहीं उबस राणा। अरे अरे ठीक है बच्चों, में मजाक कर रहा था, ऐसी कोई सजा नहीं दूंगा मैं तुम्हें, बस एक वादा करो कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। नहीं नहीं नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं करेंगे। अरे वीडियो भाई, अरे ये तो जिम्मी सोसाइटी के सेक्रेटरी श्रीवास्तव है, पर इनको कोरोना हुआ है, भागो। अरे रुकिए तो सही, अरे आप लोग भाग दूर है। अरे चाचा जी, अरे वीडियो भाई आप रुकिए तो सही। अरे श्रीवास्तव जी, आप यहाँ पे क्यों हैं? आपको कोरोना है ना, आप घर जाइए। अरे मुझे कोरोना नहीं हुआ है, आप सबको यही बताने तो आया हूँ। ए भाई, ए झूठ मत बोल, हर जगह पे चर्चा है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें और तुम्हारे पूरे सोसाइटी वालों को कोरोना हो गया। चाचा जी, यही तो अफवाह फैली हुई है। जिस झिलमिल सोसाइटी में कोरोना हुआ है ना, वो गोरेगांव वेस्ट में है। अरे नाम एक जैसा होने से सबको गलतफहमी हो गई है। ओ, मतलब आपको या आपकी बिल्डिंग में से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है? नहीं हुआ है भिड़े भाई, यही तो बताने आया हूँ। थैंक यू अंकल, आपने बता दिया, नहीं तो अगले 15 दिन तक हम लोग यहाँ गोकुलधाम में ही फंसे होते। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये कन्फ्यूजन की वजह से हुआ है। थैंक यू श्रीवास्तव जी, आप बताने के लिए यहाँ आए। चलिए मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू आप इधर आए। ओके बाय बाय, टेक केयर। नहीं भिड़े भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो मैंने सुना वो मैंने आपको बताया। ये सब पहले पता होता ना तो टप्पू सेना और मेहता अंकल इतना परेशान नहीं होते। नहीं तो क्या है? अरे अब्दुल, तुम्हारे कहने पे मैंने इतना सख्त सर्कुलर निकाला,
मेरी वजह से सब परेशान हुए ना। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि मैंने जो सर्कुलर निकाला है वो अभी से रद्द है। अरे एक मिनट सुनो मेरी बात, मैंने सर्कुलर रद्द किया है, कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, कर लेना। अभी भी हमें सरकारी नियमों का पालन करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सही बात है, सावधानी बरतनी है और कोरोना से हमें लड़ना है और कोरोना को हराना है। बना तिल का ताव, बना बात का बतंगड़। झिलमिल सोसाइटी में नहीं थी कोरोना की गड़बड़, इसीलिए कहते हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें, अपनी अकल लगाएं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कोरोना की गड़बड़ नहीं थी झिलमिल सोसाइटी में, लेकिन असल बात ये है दोस्तों कि कोरोना अभी तक गया नहीं, इसलिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। लेकिन कुल मिला के एक बात है कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा मजा आया, पिज्जा पार्टी हुई टप्पू सेना की, और टप्पू सेना की इस पिज्जा पार्टी ने आप सभी को बड़ा आनंद दिया, हमें भी आनंद दिया, थोड़ी बहुत परेशानी जरूर दी, लेकिन अंततः टप्पू सेना ने अपनी गलती मान ली और खासतौर पर मुझसे, मैंने भी उन्हें माफ कर दिया, पूरी सोसाइटी ने भी उन्हें माफ कर दिया, और कुल मिला के फिर से सोसाइटी के अंदर खुशियों का माहौल हो गया और यहाँ खुशियों के फूल खिल गए। लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी है बड़ी अतरंगी सोसाइटी, आप बड़े अतरंगे लोग होते हैं, इसलिए अतरंगी चीजें तो यहाँ होती रहेगी। तो फिर हम मिलेंगे कल एक नई अतरंगी कहानी के साथ, जिसमें होगा कमाल बवाल और आपके घर में हंसी का कमाल। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।